खबरनामा के प्रायोजक हैं रिजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिसोरा सीतापुर। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेटर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता, आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में सांसद ने फोड़ा लेटर, बम मचा हड़कंप। सीतापुर शहर की सड़कें होंगी चकाचक, DM ने EO को दिया निर्देश। फिर बात करेंगे मॉक एक्सरसाइज के जरिए अपनी व्यवस्थाएं जांचेगा सीतापुर जिला प्रशासन। खबरनामा के अंत में बात करेंगे 29 जुलाई को लखनऊ में मंच साझा कर सकते हैं CM और डिप्टी CM, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर जिला महिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर भड़के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव। माध्यमिक शिक्षक संघ के चंदेल गुट ने दिया धरना, 25 जुलाई को शर्मा गुट करेगा धरना प्रदर्शन। सीतापुर में सरायन नदी पर अवैध कब्जों को लेकर उठी आवाज। सीतापुर में 29 जुलाई को होगी रोजगार की भरमार। सीतापुर में एक और प्रधान पति पर दबंगई का आरोप, पुलिस तक पहुंचा मामला। नल से गंदा पानी आने पर DM ने प्रधान को लगाई फटकार। छोटी काशी गोला में विश्व कीर्तिमान रचने की तैयारी। 29 जुलाई से शुरू होगा UP का विधानमंडल सत्र। खबरें सीतापुर जनपद से। यूपी में सरकारी अधिकारी जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर मनमानी की सरकार चला रहे हैं। कुछ इसी तरह के आरोप लंबे समय से लगते चले आ रहे हैं। एक नहीं अनेक जनप्रतिनिधियों ने खुलेआम बयान देकर अधिकारियों द्वारा अपनी अनसुनी किए जाने का आरोप लगाया है। बावजूद इसके मशीनरी का हाल जस का तस बना हुआ है। अब इसी सूची में मिश्रिक से चौथी बार के सांसद अशोक रावत का नाम जुड़ गया है। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर 20 जुलाई के वृक्षारोपण कार्यक्रम में न आ पाने के लिए सीतापुर के DFO को जिम्मेदार ठहराते हुए कठोर कार्रवाई का निर्देश दिए जाने की मांग की है। फिलहाल सांसद के इस पत्र में हड़कंप मच गया है। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए DM अभिषेक आनंद ने विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए सभी लंबित कार्य समय से पूरा कर लिए जाने का निर्देश दिया। DM ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर चल रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए कहा कि कार्यों को मानक अनुरूप तथा तेजी के साथ पूरा किया जाए। DM ने सीतापुर नगर पालिका EO वैभव त्रिपाठी को शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के लिए मरम्मत का निर्देश भी दिया। इस दौरान जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तिलक सिंह व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक में रोजगार सेवकों और BDO संदीप कुमार के बीच चल रहे विवाद का समाधान हो गया। CDO निधि बंसल और सेवता विधायक ज्ञान तिवारी की मौजूदगी में लंबी वार्ता के बाद तकरार समाप्त हुई। हालांकि CDO के निर्देश पर सभी मीडिया कर्मियों को ब्लॉक के मीटिंग हॉल से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन मिल रही जानकारी के मुताबिक मानदेय के मामले में CDO ने BDO की गलती मानते हुए दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होने का आश्वासन रोजगार सेवकों को दिया। सूचना के मुताबिक जिन दो रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं मिला है उनको भी तत्काल भुगतान किया जाए। कहा जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता भी ब्लॉक पहुंचे थे, लेकिन वह मीटिंग हॉल में न जाकर BDO के कक्ष में बैठे रहे। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन की राहत व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा। ADM नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रबंधों को जांचने के लिए 25 जुलाई की सुबह 9 बजे बिस्वा के चहलारी घाट पर मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी।
सीतापुर जिला महिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को अपनी आंखों से देख लेने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने सख्त रुख अपनाया है। वह प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय के निर्देश पर जिला महिला अस्पताल स्थित वन स्टाफ सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल में पहुंचते ही उनका सामना मेन गेट पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों और उनसे लगे जाम से हुआ। नाराज प्राधिकरण सचिव ने इसे लेकर सीएमएस डॉक्टर सुनीता कश्यप से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसे लेकर कई बार पालिका योग कोतवाली प्रभारी व अन्य संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कार्रवाई शून्य है। अपने आने जाने का रास्ता बंद किए जाने के विरोध में मंगलवार को डालडा मिल के पास सीतापुर मोहली मार्ग को जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन कर चुके वैष्णोपुरी के तमाम निवासी बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर मोहल्ला वासियों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देकर आवागमन की समुचित व्यवस्था किए जाने की मांग की है। इस मौके पर लवलेश शर्मा, नैमिष, पुनीत श्रीवास्तव, शंकर शुक्ला, आलोक श्रीवास्तव, मिथिलेश शर्मा, जुगल किशोर, विनय कुमार और नीरज वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट की सीतापुर जिला इकाई ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 जुलाई को DIOS कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार विरोधी नारे लगाए। धरने के बाद शिक्षकों ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को संबोधित अपना 16 सूत्री ज्ञापन DIOS डॉक्टर राजेंद्र सिंह को सौंपा। ज्ञापन प्राप्त करते हुए DIOS ने शिक्षकों की एक मांग का निस्तारण करते हुए NPS की पासबुक और लेजर बनाने का काम शीघ्र किए जाने का आश्वासन दिया। धरने का नेतृत्व जिला अध्यक्ष राजकुमार शुक्ला ने तथा संचालन कोषाध्यक्ष मकसूद अली ने किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश तिवारी, जिला मंत्री अनिल कुमार यादव और संरक्षक रजनीश चंद्र मिश्र ने धरने को संबोधित करते हुए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुंकार भरी। धरने में अनिल सिंगौर, अशोक शुक्ला, अवधेश नंदन पांडे, रत्ना द्विवेदी, पूनम मिश्रा, ज्ञानी राम, वेद पाल वर्मा और आशुतोष मिश्रा आदि ने भी उनको संबोधित किया। इस मौके पर प्रेम शंकर, अनिल शुक्ला, भरत तिवारी, चंद्र प्रकाश, अशोक मिश्रा, जमील अहमद, प्रदीप पांडे और यश राठौर सहित तमाम शिक्षक मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षकों के शर्मा गुट का धरना प्रदर्शन 25 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। संगठन की ओर से पंकज श्रीवास्तव द्वारा जारी सूचना के मुताबिक यह धरना प्रदर्शन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगा। इस दौरान शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को पूरा किए जाने से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन DIOS को दिया जाएगा। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की सीतापुर इकाई ने यूपी में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री को संबोधित यह ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में दिया गया। इसमें अधिवक्ताओं के साथ कई जिलों में हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए इस एक्ट को लागू करने की जरूरत बताई गई है। यह ज्ञापन जिलाध्यक्ष दिव्यांशी वर्मा के नेतृत्व में दिया गया तथा इस दौरान अरुण राज और रामलखन यादव सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा परिषद की सीतापुर इकाई ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देकर 5 समस्याओं के निस्तारण की मांग रखी है। इसमें सरान नदी पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाए जाने, शहर में जगह जगह लगने वाले जाम से निजात दिलाए जाने, होली नगर साई मंदिर रोड के सरकारी नलों से गंदा पानी आने के कारण स्वच्छ जल प्रदान किए जाने और मुंशीगंज स्थित दयाल आश्रम और जनकपुरी कॉलोनी में जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग रखी गई है। ज्ञापन देते समय जिलाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी के साथ विजय शुक्ला, डॉक्टर शांति स्वरूप प्रस्तोगी, डॉक्टर विकास जैन, अम्बरीश दीक्षित, कमलेश मेहरोत्रा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संजय पांडे, आकाश राय और शिव बालक त्रिवेदी आदि लोग मौजूद रहे। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नौवा बेहड़ निवासी रेणु वर्मा पत्नी नरेंद्र कुमार और राजकुमारी पत्नी रूपेंद्र ने कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अपने साथ हुई घटना के दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने इस पत्र की एक प्रति पुलिस अधीक्षक सीतापुर और राज्य महिला आयोग को भेजी है। इस पत्र में गाँव के ही 3 लोगों समेत 5 व्यक्तियों पर 20 जुलाई की रात घर में घुसकर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहें या कोई दैवी चमत्कार कि तालगांव थाना क्षेत्र में एक आम के पेड़ से दोबारा शिवलिंग जैसी आकृति निकली है। पिछले साल भी इसी पेड़ पर ऐसी ही आकृति निकली थी। यह पेड़ रसूलपुर की एक बाग में स्थित है। गौर करने की बात यह है कि पेड़ से पिछली बार की तरह इस बार भी धुआं निकल रहा है। गत वर्ष यह चमत्कार देख लोगों ने पेड़ की पूजा अर्चना भी शुरू कर दी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सीतापुर नगर में एक दिवसीय प्रांत सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्घाटन और परिचय सत्र के साथ शुरू यह कार्यशाला 5 सत्रों में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में अवध प्रांत के सीतापुर, बिसुआ, गोला, लखीमपुर, बाराबंकी, गोंडा, हरदोई, उन्नाव, अयोध्या, बहराइच और श्रावस्ती के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर अवध प्रांत संगठन मंत्री अंशुल विद्यार्थी, पुष्पेंद्र वाजपेयी, आशीष शर्मा, नवीन आजाद दुबे, अजय प्रताप शुक्ला, ऋषभ कात्यान, साक्षी शुक्ला, पवन तिवारी, अमन अवस्थी, सुमित मिश्रा, विदुषी मिश्रा और अभय सिंह आदि लोग मौजूद रहे।
लहरपुर नगर के केसरीगंज बाईपास मार्ग पर नवनिर्मित सिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो गया। इसका उद्घाटन आदर्श पत्रकार एकता एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिंह आचार्य ने किया। इस मौके पर अस्पताल के MD सहरुल ने बताया कि इस अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा सहित OPD, IPD और ऑक्सीजन सहित ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस दौरान डॉक्टर RK पाठक, डॉक्टर बुसरा खान, डॉक्टर खान मोइत, डॉक्टर राशिद, अभिनव त्रिवेदी, आकाश सिंह, देशप्रीत सिंह, ओमकार वर्मा, शिवम अवस्थी और सब्बू बेग आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर के HMH डिग्री कॉलेज में विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंजीनियर समीर अहसन तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पत्रकार अरुण सिंह आचार्य ने विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करते हुए आधुनिक शिक्षा में टैबलेट का महत्व बताया। इस मौके पर भाजपा नेता सलमान जैदी, कॉलेज प्रबंधिका अफसाना खातून और ईट उद्योग के समिति के जिलाध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। जिला सेवा योजन कार्यालय 29 जुलाई को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन करेगा। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि इस मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, जो 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले हाईस्कूल, इंटर, स्नातक और ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन करेगी। उन्होंने बताया कि इस मेले में प्रतिभाग के लिए रोजगार संगम पर पंजीकरण जरूरी है। कोई भी अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए सेवा योजन कार्यालय में संपर्क कर सकता है। PM आवास योजना के लिए पात्र होने के बावजूद अब तक आवास मिलने से वंचित लोगों की सूचना पर किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू मोहली तहसील के नरहरा गांव पहुंचे। उन्होंने बैठक कर लोगों से इस बारे में जानकारी लेने के बाद बताया कि करीब 20 परिवार काफी गरीब होने के कारण झोपड़ी या मिट्टी के घर में गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। इस मौके पर संगठन मंत्री सतीश मिश्रा ने कहा कि उच्च अधिकारियों से वार्ता कर संगठन सभी पात्रों को आवास दिलाने का प्रयास करेगा। मोहली ब्लॉक के बड़ा गांव में प्रधानपति द्वारा गांव के लोगों पर गोली चला जाने की घटना से मची सनसनी अभी थमी भी नहीं है कि अब एक और प्रधानपति की दबंगई का मामला सामने आया है। मामला इसी ब्लॉक की सिल्हापुर ग्राम सभा का है। यहां के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक शशांक मिश्रा ने प्रधान प्रतिनिधि तुलाराम पर नशे में धुत होकर अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाया है। प्रधान प्रतिनिधि पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मातेश्वरी के साथ भी मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना का वीडियो वायरल है। शिक्षक ने घटना की सूचना मोहली कोतवाली में दे दी है। कोतवाल विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिली है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौजूदा समय राशन कार्ड की KYC अपडेट करने का काम चल रहा है। इसी के साथ विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आधार कार्ड की कमियां दोनों जगह रोड़ा बन रही हैं। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र में शासन द्वारा आधार कार्ड संशोधन के लिए कमलापुर डाकघर में व्यवस्थाएं की गई हैं। डाक कर्मियों की सुस्ती के चलते रोज केवल 20 आधार कार्ड संशोधन किए जा रहे हैं। इसके चलते सुबह 6 बजे से डाकघर पर भारी भीड़ जमा हो रही है। इस समस्या को लेकर रालौत के प्रदेश महासचिव RP सिंह चौहान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है। उन्होंने आई इंडिया से बात करते हुए सरकार को इस ओर ध्यान आकर्षित भी कराया है। सीतापुर की फुटबॉल खिलाड़ी आरुषि गंगवार का चयन बालिका वर्ग की राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता कर्नाटक के बेलग्राम में अगस्त में आयोजित की जाएगी। आरुषि द्वारा बाराबंकी में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में किए गए दमदार प्रदर्शन के चलते उसे UP की राष्ट्रीय टीम में चुना गया है। आरुषि की इस उपलब्धि पर उसके घर परिवार सहित सभी फुटबॉल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसे लेकर जिले के प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने आरुषि को शुभकामनाएं दी हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया।
सहगल इंटर कॉलेज कनवाखेड़ा सीतापुर। एडमिशंस ओपन फॉर सेशन 2024-25 फॉर क्लास 9th एंड 11th। ट्रेन्ड हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। कॉन्टेक्ट नाउ फॉर योर चिल्ड्रंस ब्राइट फ्यूचर। जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट सेमिनार एजुकेशनल विजिट हॉस्टल विजिट यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म बी फॉर्म एम फॉर्म पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी लहरपुर रोड सीतापुर। सीतापुर में पंचायतों के रिक्त पदों पर हो रहे चुनाव में बुधवार को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। मिश्रिक ब्लॉक के सहायक निर्वाचन अधिकारी अमिताभ वर्मा ने बताया कि यहां की ग्राम सभा डिगिया में प्रधान पद के लिए 3 प्रत्याशियों को और ग्राम सभा बैनौरा में 4 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए गए। यहाँ से 1 प्रत्याशी मुनीद ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं 6 ग्राम पंचायत सदस्य निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किए गए। मिश्रिक के लक्ष्मण नगर में टीकाकरण जागरण पहल और डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया। डायरिया नेट जीरो के तहत टीकाकरण के दौरान मानसी, बबली और अंकित द्वारा सभी महिलाओं को डायरिया से रोकथाम और उपचार के साथ बिंदुओं की जानकारी भी दी गई। सीतापुर के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मिश्रिक क्षेत्र के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण दिए जाने के लिए शिविर आयोजन का स्थान और दिनांक घोषित कर दिया है। यह कार्यक्रम 26 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ब्लॉक परिसर में आयोजित किया जाएगा। सीतापुर में गोंदलामऊ ब्लॉक की सदना ग्राम सभा के रिक्त प्रधान पद पर हो रहे उपचुनाव में 3 दावेदारों ने अपने नाम वापस ले लिए। अब कुल 8 प्रत्याशी मैदान में है। बता दें यहां पर कुल 11 लोगों ने नामांकन किया था। इनमें से प्रेमचंद्र पटेल, महेंद्र पाल और गुड़िया सिंह ने नामांकन वापस ले लिया। कसमंडा ब्लॉक के ग्राम जसमंडा से कांवड़ियों का एक जत्था कांवड़ भरने के लिए सुल्तानगंज रवाना हुआ। यह कांवड़ यात्री सुल्तानगंज में गंगा स्नान करके कांवड़ लेकर बाबा बैजनाथ धाम देवघर में भगवान भोले का अभिषेक करके घर लौटेंगे। इस मौके पर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के बीच तमाम ग्रामवासियों ने कांवड़ यात्रियों को रवाना किया। इस जत्थे में भावनेन्द्र यादव, विशाल यादव, महेंद्र कुमार, संदीप कुमार, हिमांशु, सुजीत कुमार, रिंकू, सुनील कुमार, अनुज कुमार, गुड्डू आदि भक्तजन शामिल रहे। एक पंचायत सफाईकर्मी के साथ कार्यस्थल पर गाली गलौज, बदसलूकी तथा मारपीट किए जाने के मामले में सीतापुर के जिला पंचायत राजाधिकारी निरीश चंद्र साहू ने कठोर रुख अपनाया है। पंचायत सहायक सफाईकर्मी संगठन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर DPRO ने पुलिस को मामला दर्ज कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने के लिए भी कहा है। घटना मोहली कोतवाली क्षेत्र की है। यहाँ पर पिसावा ब्लॉक की ग्राम सभा पकरिया पांडे में तैनात सफाईकर्मी संदीप कुमार ने DPRO के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें गांव के बाल मुकुंद पांडे, रामपाल पांडे और बंसीधर पांडे पर आरोप लगाया था। इसे लेकर 7 जुलाई को थाने में सूचना भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो DPRO ने अपने स्तर से थानाध्यक्ष को पत्र भेजा है। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में सीतापुर में समस्त फल एवं सब्जी की दुकानों पर उनके वास्तविक मालिकों के हिंदू नाम की नेम स्लिप लगाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हृदय से स्वागत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरे पर यह दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आप अपनी नाम की पहचान स्पष्ट करें, लेकिन हम स्वयं अपनी पहचान तो बता सकते हैं। साथ में हिंदू शेरसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने कहा कि हिंदू शेरसेना द्वारा यह अभियान प्रदेश के सभी जिलों सहित सीतापुर के ग्रामीण क्षेत्र और कस्बों में भी चलाया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू और जिला मीडिया प्रभारी OP शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे।
मिश्रिक के टेड़वा में गांव की मुख्य सड़क पर कीचड़ व जलभराव की समस्या से ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार इसे लेकर प्रधान व अन्य अधिकारियों से कहा जा चुका है, लेकिन उनकी फरियाद अब तक अनसुनी है। ग्रामीण बनवारी गया प्रसाद, ताराजंद, सचिन, आशुतोष, सूरज, विष्णुपाल, कमलेश और विपिन आदि ने मार्ग और नाली बनवाए जाने की मांग की है। इस संबंध में BDO अवध प्रताप सिंह ने बताया कि पंचायत सचिव का तबादला हो चुका है। कीचड़ समाप्त करने के लिए जल्द ही सड़क निर्माण करा दिया जाएगा। रेल सुरक्षा बल की सीतापुर पोस्ट द्वारा रेल सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ASI अशोक कुमार मिश्रा और उनकी टीम ने सीतापुर के मोहम्मदाबाद तक यह अभियान चलाते हुए स्कूल और कॉलेज में भी जागरूक शिविर आयोजित किए। ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार द्वारा मनरेगा योजना से लाखों रुपए खर्च कर पंचायत स्तर पर बनवाए गए खेल मैदान जानवर बांधने के काम आ रहे हैं। मामला कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा कुरसंडा का है। आरोप है कि यहां पर प्रधान सर्वेश कुमार और सचिव सुशील यादव की सहमति से खेल के मैदान में ग्रामीण नांद रखकर जानवरों का चारा खिलाने का काम कर रहे हैं। इस बाबत वीडियो प्रशांत कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के विद्यालयों का अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। मिश्रिक फायर स्टेशन प्रभारी राज बहादुर दुबे के नेतृत्व में उनकी टीम ने नैमिष के SSG पब्लिक स्कूल और BV कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया और वहां के चालकों को आग से बचने के उपायों के प्रति जागरूक किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीतापुर कचहरी प्रांगण में बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी द्वारा पौधे रोपित किए गए। इस मौके पर मौजूद तमाम अधिवक्ताओं ने रोपे गए पौधों के वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल का संकल्प लिया। इस दौरान किशोर मोहन सक्सेना, बार सचिव दिनेश त्रिपाठी, दीपक पांडे, आरती राय, हेमलता, रत्नेश द्विवेदी, शैलेंद्र यादव, अक्षय सहाय, अनुज त्रिपाठी, आलोक वाजपेयी, वसीमुल हक और सूरज राय आदि लोग मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भारतीय अटल सेवा संगठन के नगर अध्यक्ष मनोज वर्मा के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष संजीव शुक्ला, पंकज मिश्रा और प्रेम पांडे आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों पर हो रहे उपचुनाव में बुधवार को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। इसी कड़ी में रेउसा ब्लॉक की ग्राम सभा दलपतपुर में प्रधान पद के सभी चारों प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दे दिए गए। इसके अलावा पंचायत सदस्य पद के लिए भदमरा से सुमन देवी, रमुआपुर कलिका सिंह से गोल्डी देवी, कटरा से उत्तम, बैजवारी से सरिता के अकेले नामांकन होने के कारण इन सभी का निर्विरोध निर्वाचित होने लगभग तय है। पिसावा से 5 सैकड़ा कांवड़ियों का जत्था कांवड़ भरने के लिए हरदोई में गंगा नदी तट स्थित राजघाट के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर शिव भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाते हुए भोले के जयकारे लगाए और भक्ति गीतों पर ठुमके लगाए। इस मौके पर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि यदि किसी कांवड़ यात्री को मार्ग में कोई समस्या आए तो उसकी तुरंत सूचना दी जाए। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर में DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने अफसरों की टीम के साथ 3 बेसिक विद्यालयों आमाघाट, पिपरिया और चिमनी का औचक निरीक्षण किया। DM ने इस मौके पर बच्चों से जोड़ घटाना पूछते हुए शिक्षक की भूमिका में नजर आई। यही नहीं, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों से सवाल पूछे तथा पहाड़े भी सुने। इसी बीच पिपरिया विद्यालय में अचानक DM की नजर नेत्र विकार से ग्रसित कक्षा 7 की छात्रा रागिनी राय पर पड़ी। इस पर DM ने CMO को उसका नेत्र परीक्षण कराकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। यहीं पर हैंडपंप से गंदा पानी आने पर DM ने प्रधान को फटकार लगाते हुए उसे फौरन रिपोर्ट का निर्देश किया। लखीमपुर में तहसील के अधिवक्ताओं और लेखपाल के विवाद होने के बाद वकील धरने पर बैठ गए। वकीलों ने लेखपाल जयंती मिश्रा पर रिश्वत लेने और वकीलों पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, वकीलों ने SDM पर भी भेदभाव करने का आरोप लगाया है। लखीमपुर के सिंगाही के SDM राजीव निगम ने सिंगाही नगर पंचायत के रिक्त EO पद का पदभार ग्रहण कर लिया। यह पद काफी समय से रिक्त चल रहा था। इस मौके पर उन्होंने सभी कर्मियों को सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के साथ ही मच्छर नियंत्रण के लिए लगातार फॉगिंग कराने का निर्देश दिया। इस दौरान लिपिक अखिलेश अवस्थी, सभासद दीपक सक्सेना, सुरेंद्र सिंह और मोहम्मद राशिद आदि लोग मौजूद रहे। विश्व रिकॉर्डधारी संस्था कपिल फाउंडेशन द्वारा लखीमपुर के गोला गोकरणनाथ में छोटी काशी काव्य कुंभ का भाग 2 आयोजित किया जाएगा। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लगातार 150 से अधिक घंटों तक लगातार चलने वाले इस कवि सम्मेलन को विश्व रिकॉर्ड की सूची में शामिल कराए जाने की योजना है। इसके लिए इस कार्यक्रम में 500 से अधिक कवि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसमें लखीमपुर नगर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी और साहित्यकार राममोहन गुप्ता भी प्रतिभाग करेंगे। अब खबरें प्रदेश से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा और 2 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। इसकी कार्य सूची के मुताबिक सत्र के पहले दिन औपचारिक कार्य होंगे तथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं और नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद के 4 दिनों में विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे।
राजनीति के जानकारों का कहना है कि यह सत्र काफी हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। उनका कहना है कि एक तो भाजपा में गुटबाजी की खबरें चरम पर पहुंची हुई है, वहीं लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का जोश हाई है। सपा प्रमुख ने माफिया अतीक अहमद का नाम लिए बिना योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जो डराने वाले लोग हैं वह बहुत दिन तक सत्ता में नहीं रहते। हमने फेक एनकाउंटर देखे, देश के बड़े चैनल लाइव थे और किसी की पुलिस कस्टडी में जान चली गई। यूपी में भाजपा के भीतर इन दिनों बड़ी खलबली मची हुई है। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। आए दिन दोनों के बीच तनातनी बढ़ने की खबरें भी आ रही हैं। इसी बीच दोनों के एक साथ मंच साझा करने की खबर सुर्खियां बन रही है। मौका भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक का होगा, जो 29 जुलाई को राजधानी लखनऊ में आयोजित की जाएगी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। यूपी में एक कहावत है कि खूब मौज ले रहे हो। भाजपा में मची रार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कुछ इसी मोड में नजर आते हैं। आए दिन उनके बयान भाजपा नेताओं की उलझन बढ़ाते रहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मानसून ऑफर देने के बाद अब अखिलेश यादव ने रालोद चीफ जयंत चौधरी को लेकर टिप्पणी की है। दरअसल नेम प्लेट विवाद के बाद से ही सपाई खेमा जयंत चौधरी के अपने साथ आने की चर्चाएं गर्म किए हुए हैं। इसी बीच सपा प्रमुख ने कहा है कि राजनीति में किसकी क्या मर्जी है, मैं क्या जानूं। कुछ लोग आजाद होते हैं अपनी मर्जी के। 5 महीने से परीक्षा फल का इंतजार कर रहे ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के अभ्यर्थियों का 24 जुलाई को धैर्य जवाब दे गया। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने विरोध मार्च करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को शांत कराते हुए उनके प्रतिनिधिमंडल की आयोग के अधिकारियों से वार्ता कराई। यह था आज का खबरनामा, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रिजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर।